सब्सक्राइब करिए हाई फाई स्टडी चैनल को, बेल आइकन को प्रेस कीजिए लेटेस्ट वीडियो अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक हाई फाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ एजुकेशन। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग सीखेंगे अपने इंग्लिश का पहला टॉपिक। इससे पहले इंग्लिश की एक क्लास अपलोड है काफ़ी टाइम पहले, जिसमें मैंने आपको सिलेबस बताया था, ठीक है ना। लेकिन अब हम लोग आज से इंग्लिश भी साथ में कवर करने वाले हैं, क्योंकि जो मैथ थी हमारी वो कंप्लीट एक बार ख़त्म हो चुकी है, उसमें कोई दो राय नहीं है। एक चैप्टर को छोड़कर जो कि था हमारा संभावना यानी कि प्रायिकता वाला चैप्टर ना, उसको मैंने नहीं पढ़ाया, आप खुद से पढ़ लेना। जब मैं मॉडल पेपर कराऊंगा तो उसके क्वेश्चन उसमें इंक्लूड कर लूँगा, आप समझ जाओगे, ठीक है ना। तो वीडियो दोस्तों इंटरेस्टिंग होने वाली है, सभी को आता है ये, हमें ये नहीं कहते हैं कि ये भाई किसी को नहीं आता है, सभी साथियों को आता है, बट प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। वही चीज़ें हम लोग यहाँ पर सीखने वाले हैं। जिनको नहीं आता है इंग्लिश, पेशेंस रखेंगे, धैर्य रखेंगे, रेगुलर क्लासें अटेंड करेंगे, आपको हर एक चीज़ समझ में आएगी जो कि इंग्लिश का रूल होता है, ठीक है ना भाई। मेन इम्पॉर्टेंट है आपको रूल, अगर आपको रूल यानी कि स्ट्रक्चर आपको समझ में आ गया कि हिंदी से इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करते हैं, पहले क्या क्या चीज़ें आती हैं, तो वो सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे। तो बेसिकली आज जो हम लोग सीखने वाले हैं वो सीखेंगे अपना प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस। मैंने आपको बताया था कि टेंस आपके टोटल 12 होते हैं, टोटल टेंस आपके 12 होते हैं। टाइम के आधार पर 3 प्रकार के, वर्क के आधार पर 4 प्रकार के। वर्क आपका 4 प्रकार का होता है, एक तो इंडिफिनिट होता है, एक कॉन्टीन्यूअस होता है, एक परफेक्ट होता है, और चौथा जो हमारा होता है परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस होता है। टाइम आपका दोस्तों 3 प्रकार का होता है, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। ऐसे प्रेजेंट के 4 बन जाते हैं, पास्ट के 4 बन जाते हैं, और फ्यूचर के भी 4 बन जाते हैं। तो शुरुआत करेंगे हम आज प्रेजेंट के पहले पार्ट से, जो कि होगा हमारा प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस, ठीक है ना। अब जरा समझना, किसी भी टेंस को पढ़ने से पहले आपको सबसे पहले उसकी पहचान पता होनी चाहिए कि आप कैसे पहचानोगे टेंस को। पढ़ते ही सेंटेंस आपके दिमाग में कैसे ख्याल आएगा कि यह हमारा प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस कहाँ है। तो अगर आप रटने वाले हो तो आप रट सकते हो कि वाक्य के अंत में क्या आएगा, भाई ता है, ती है, ते हैं, ये शब्द आते हैं, ता है, ती है और ते हैं, ये सारे शब्द आपके आएंगे अगर आप सेंटेंस पढ़ोगे। जैसे राम जाता है, मेरा भाई झूठ नहीं बोलता है, पिताजी खेत में काम नहीं करते हैं, क्या तुम सोते हो, तो ये सारे सेंटेंस किस टेंस के अंतर्गत आएंगे, तो ये आपके प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस के अंतर्गत आएंगे। लेकिन यहाँ से अगर मैं दोस्तों बात करूँ कि अगर आप समझोगे नहीं तो आप सीधे समझ लीजिए, एक यहाँ पर क्या दिया जाता है, यहाँ पर भाई एक स्टेटमेंट दिया जाता है। एक स्टेटमेंट, हम अपनी बातें बताते हैं, ठीक है ना। जैसे मैं कह दूँ कि वह गाना गाती है, मैंने कहा वह गाना गाती है, तो लास्ट में क्या आया भाई, ती है आया ना, ती है। तो इससे भी आप पहचान गए कि वह गाना गाती है प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का है। लेकिन मैंने एक स्टेटमेंट दिया कि नहीं दिया, मैंने कहा कि वह गाना गाती है। अब आप सुनने जाओ या ना जाओ, आपको अच्छा लगे या ना लगे, लेकिन मेरे दिल की बात थी कि वह गाना गाती है, ये मेरा एक स्टेटमेंट था जो मैंने आपके सामने प्रकट कर दिया है। तो बात दोस्तों सीधी सी ये है कि प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में लगभग सेंटेंसों में हम सेंटेंस को जो होता है उसमें स्टेटमेंट देते हैं। क्या देते हैं उसमें, स्टेटमेंट देते हैं। जैसे मम्मी खाना बनाती हैं, अब मैंने आपसे कहा कि मेरी मम्मी खाना बनाती हैं, अब मैंने आपसे ये तो कहा नहीं कि आप आकर खाइए या ना खाइए, लेकिन मैंने एक स्टेटमेंट दिया कि मम्मी खाना बनाती हैं। कहने का मतलब, अगर दोस्तों वो इंडिफिनिट है, किसी भी टेंस का अगर वो इंडिफिनिट है, तो कहने का मतलब उसमें क्या होगा, उसमें स्टेटमेंट आपका होगा, उसमें क्या होगा, स्टेटमेंट दिया गया होगा लगभग केसों में, सभी केसों की बात नहीं करते हैं, लगभग केसों में स्टेटमेंट दिया रहेगा, ठीक है ना। तो ये हो गई समझने वाली बात। अब देखो,
अब हम क्या करेंगे, एक एक रूल से चलेंगे और समझते हुए अच्छे से एग्जाम्पलों को सॉल्व करेंगे। बात को जरा दोस्तों मेरी समझना, ये हो गई पहचान। अब होता है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या होती है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की, सभी को पता होगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब डू या फिर डज होती हैं। डू लगाएंगे या फिर डज लगाएंगे। भाई जो डू का प्रयोग होता है वो बहुवचन कर्ताओं के साथ होता है। बहुवचन कर्ताओं के साथ डू का प्रयोग होता है, और आई और यू के साथ भी क्या होता है, डू का प्रयोग होता है। बहुवचन कर्ता जितने भी होंगे सब्जेक्ट, उनके साथ आई और यू यानी प्लूरल के साथ आई और यू, जितने भी प्लूरल सब्जेक्ट होंगे उन सभी के साथ डू का प्रयोग। बचा दोस्तों आपका डज। डज एक वचन कर्ता यानी कि सिंगुलर के साथ हम लोग क्या करेंगे, डज का प्रयोग करते हैं। बात बिल्कुल क्लियर हो गई है। अब देखो, अब बात आती है सर मेन वर्ब। आपको पता है कि वर्ब की तीन फॉर्म होती हैं। आपको पता है वर्ब की दोस्तों कितनी फॉर्म होती हैं, तीन फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म, और एक इन्हीं से मिला के एक फॉर्म बनाई जाती है, चौथी फॉर्म, फोर्थ फॉर्म। तो हमेशा अगर वो इंडिफिनिट है, देखिए ये चीज़ समझ लीजिए बस, अगर आपका इंडिफिनिट है ना तो उसमें हम हमेशा दोस्तों क्या लगाएंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। मैटर नहीं करता है कि टाइम कैसा है, चाहे प्रेजेंट का हो, चाहे फ्यूचर का हो, चाहे पास्ट का हो, अगर इंडिफिनिट है, अगर सेंटेंस में हम स्टेटमेंट दे रहे हैं तो हम वहाँ पर मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म लगाएंगे, फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। बात एकदम क्लियर। अब जो ये सेकंड फॉर्म बनी है इसका कुछ नया सा अंदाज है। सेकंड फॉर्म दोस्तों क्या होता है, सेकंड फॉर्म केवल एक टेंस के लिए बनी है, पास्ट इंडिफिनिट टेंस के लिए। पास्ट इंडिफिनिट टेंस में केवल हम वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं, बाकी हम कहीं पर भी वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग नहीं करते हैं। या सीधे शब्दों में यूँ समझ ले कि अगर वर्ब की सेकंड फॉर्म बनी है तो वो बनी है पास्ट इंडिफिनिट टेंस के लिए। बात सही है। अब देखो, ये जो मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म है ये दोस्तों हमेशा आपके परफेक्ट में लगती है। हमेशा दोस्तों किस में लगेगी, परफेक्ट में लगेगी हमेशा। परफेक्ट मतलब चाहे वो प्रेजेंट का परफेक्ट हो, चाहे वो पास्ट का परफेक्ट हो, और चाहे वो फ्यूचर का परफेक्ट हो, अगर परफेक्ट है तो हम मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे ही लगाएंगे, ठीक है ना। अब ये जो चौथी फॉर्म आती है इसमें वर्ब की तो फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या लगाएंगे, आईएनजी लगाएंगे, यानी आईएनजी फॉर्म को ही क्या कहते हैं, वर्ब की फोर्थ फॉर्म कहते हैं। ये चीज़ आपकी समझ में आना चाहिए। तो अब बताओ कि इसमें हम वर्ब की कौन सी फॉर्म लगाएंगे, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस है, वर्ब की कौन सी फॉर्म लगाएंगे। तो आप कहोगे सर सीधे आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा देना बस, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा देना बस, ये बात एकदम कन्फर्म हो जाएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो ये इतनी बातें समझने के बाद अब सीधे हम लोग आते हैं रूल के ऊपर। पहले रूल समझेंगे उसके बाद उसके एग्जांपल करने वाले हैं, तो ठीक है ना भाई। इसको आप लोग समझ चुके होंगे, मैं अब इसको कर रहा हूँ शार्प, क्लियर। चलो, ये सभी को पता होगा, देखिए जो मैथ की क्लास है वो चलेगी, ऐसा नहीं कि नहीं चलेगी। आप लोग कहोगे कि मैथ अगर सर दोबारा से एक बार पढ़ा दीजिए पूरी कंप्लीट तो मैं पढ़ा दूंगा, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बट इंग्लिश की भी कई साथी डिमांड कर रहे थे कि सर साथ में अगर इंग्लिश भी चले तो फिर ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो हमने सोचा क्यों नहीं अब एक दो सप्ताह आपकी इंग्लिश ही इसी टाइम पे चला दी जाए, ठीक ना। बाकी देखो, सबसे पहले दोस्तों हमारा आता है अफर्मेटिव सेंटेंस। सबसे पहले क्या आता है भाई, अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस को भाई क्या कहते हैं, सकारात्मक वाक्य। सकारात्मक या साधारण वाक्य कह सकते हैं, सिंपल सेंटेंस। साधारण वाक्य इसको कहें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। देखो साधारण वाक्य दोस्तों जो होते हैं ना आपके, साधारण वाक्य सकारात्मक वाक्य यहाँ पर अगर लिख लेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। वैसे ये साधारण जो होता है वो असर्टिव सेंटेंस का होता है, बट साधारण वाक्य हम समझ लेंगे तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। देखो जो अफर्मेटिव सेंटेंस होता है इसमें, और एक होता है आपका निगेटिव सेंटेंस,
एक होता है आपका अफर्मेटिव और एक होता है आपका निगेटिव, जिसको बोलते हैं हम लोग नकारात्मक वाक्य, नकारात्मक वाक्य जिसको बोलते हैं, है ना। देखो जो अफर्मेटिव और निगेटिव होगा किसी भी टेंस का हो, अगर अफर्मेटिव और निगेटिव हैं तो उसमें एक चीज़ सबसे पहले आएगी। सबसे पहले तो उसमें दोस्तों क्या आएगा, अगर मैं रूल की बात करूं तो सबसे पहले आपका क्या आएगा, सब्जेक्ट आ जाएगा। सबसे पहले सब्जेक्ट इसमें भी आएगा और सबसे पहले सब्जेक्ट इसमें भी आएगा। अफर्मेटिव और निगेटिव, सब्जेक्ट सब्जेक्ट पहले है, ये भी हमारा क्या है भाई, रूल ही है, ठीक है ना। अब देखो सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। हेल्पिंग वर्ब मैं यहाँ पर लिखे ले रहा हूँ डू और या फिर आपका क्या आएगा, डज आएगा। यहाँ मैं डू या डज नहीं लिख रहा हूँ, क्यों नहीं लिख रहा हूँ उसका रीज़न मैं अभी बताऊँगा। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद यहाँ पर ई एस या फिर आई एस लिखते हैं और लास्ट में आपका क्या आ जाता है, ऑब्जेक्ट आ जाता है, ये रूल होता है। अब आपके जिन्होंने पढ़ रखा है उनको तो पता होगा कि यहाँ पर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखी है, हेल्पिंग वर्ब क्यों नहीं लिखी है। लेकिन जो नहीं पढ़े हैं या जिनका डामाडोल है भाई इंग्लिश में, उनको तो भाई ये चीज़ पूछना बनता है कि सर यहाँ पर डू डज है, यहाँ पर डू डज क्यों नहीं है। अभी आपने बताया कि प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब डू डज होती है, आप यही भाई सोचोगे कि डू डज होती। तो एक पॉइंट दोस्तों दिमाग में याद रखना, एक पॉइंट दिमाग में याद रखना कि प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस के, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस में, अफर्मेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब ना लगकर, हेल्पिंग वर्ब ना लगकर मेन वर्ब के साथ, मेन वर्ब के साथ एस या फिर ई एस का प्रयोग करते हैं। मेन वर्ब के साथ एस या फिर ई एस का प्रयोग करते हैं, ये बात याद रखना। कहने का मतलब कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब ना लगाकर मेन वर्ब के साथ एस या फिर ई एस जोड़ देते हैं। लेकिन यहाँ पर भी लॉजिक है कि सर जैसे मैंने कह दिया आई प्ले, तो आप कहोगे सर आई प्ले मैं खेलता हूँ, लेकिन आपने इसमें एस या ई एस नहीं लगाया है, तो उसका भी एक कंसेप्ट है। एस या ई एस किसके साथ एस लगेगा, किसके साथ ई एस लगेगा, ये अपने आप में एक 100% टॉपिक होता है जिसको मैं टेंस पढ़ाने के बाद आपको पढ़ा दूंगा, ठीक है ना। अभी यहाँ पर इतना समझ लीजिए कि आप एस या ई एस लगाओ के बस, और एस या ई एस आप कहाँ लगाओगे ये भी पॉइंट याद रखना। तो जो आपका तीसरा व्यक्ति होगा, तीसरा व्यक्ति का मतलब थर्ड पर्सन, तीसरा व्यक्ति का मतलब थर्ड पर्सन। आपको तो पता होगा कि इंग्लिश में तीन पर्सन होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन मतलब मैं, जो बोलता है या जो करता है वो हो जाएगा फर्स्ट पर्सन, और जैसे मैं आपसे बोल रहा हूँ तो आप क्या हो जाओगे, सेकंड पर्सन। और मैं बोलूँ कि यार राम जो है सत्य बोलता है, तो राम कौन हो जाएगा, थर्ड पर्सन। कहने का मतलब जो न सुनने वाला हो न बोलने वाला हो वो क्या हो जाएगा, थर्ड पर्सन हो जाएगा। बात इतनी सी क्लियर। तो थर्ड पर्सन के साथ हम लोग एस या ई एस का प्रयोग करेंगे बस, ठीक है ना। तो ये हमारा जितना रूल था समझ में आ गया। अब देखो ये निगेटिव है तो सब्जेक्ट आएगा, डू डज आएगा, और हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद नॉट आ जाएगा, क्योंकि निगेटिव है तो नॉट तो आना बनता है। तो अब इसमें हेल्पिंग वर्ब लग गई, क्योंकि अफर्मेटिव में इसलिए नहीं लगे, इंग्लिश का रूल है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं लगती है, तो ये नॉट आ गया। अब नॉट के बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी, तो फर्स्ट फॉर्म, और लास्ट में क्या आ गया, ऑब्जेक्ट आ गया, तो लास्ट में हमारा ऑब्जेक्ट आ गया। तो ये हो गया बेसिकली आपका अफर्मेटिव और निगेटिव का सेंटेंस रूल, अफर्मेटिव और निगेटिव का रूल। दोस्तों रूल याद रखना, क्योंकि ये जो रूल है इसमें बस दो ही चीज़ें बदलेंगी, प्रत्येक टेंस के रूल में केवल दो ही चीज़ें बदलती हैं भाई, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट तो डिपेंड करेगा किसके ऊपर, सेंटेंस के ऊपर, वो तो हमेशा बदल सकता है। ये बदलेगा आपका हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब बदलता है, और क्या बदलेगा भाई, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बदलेगा बस, सब्जेक्ट कैसा ऑब्जेक्ट कैसा, अफर्मेटिव और निगेटिव में।
और एक में तो आपका इंडिफिनिट में मेन वर्ब भी बदल जाता है, पास्ट में मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म लग जाती है। ये चीज़ें आपको धीरे धीरे कब समझ में आएंगी, जब मैं एग्जांपल कराऊंगा। रूल आपको पता है, तो आइए एग्जांपल की तरफ पहुंचते हैं। एक एक एग्जांपल से हम लोग चीज़ों को सीखते हुए जाएंगे, ठीक है ना। चलो आपके बुक के एग्जांपल मैं कराऊंगा, कहीं और के नहीं होंगे। देखिए भाई, पहला एग्जाम्पल, ठीक है ना, फर्स्ट नंबर, मेरी माँ मुझसे बहुत प्यार करती है, मुझसे बहुत प्यार करती है, बहुत प्यार करती है, करती है। चलो बनाते रहो भाई, एक एक सेंटेंस को बनाते रहो। मेरी माँ मुझसे बहुत प्यार करती है। अगला मैं दूसरा जैसे आपसे कह दूँ, तो दूसरा आपके बुक में दिए हैं कि हम नदी में नहाते हैं। ये हो गया दूसरा, हम नदी में नहाते हैं। ऐसे करके मैं तीसरा दोस्तों आपसे कह दूँ, मैंने तीसरा क्या कह दिया कि राम सदा सत्य बोलता है, राम सदा सत्य बोलता है, सत्य बोलता है, राम सदा सत्य बोलता है। ये तीन चीज़ें हैं जो आपको बनानी है। देखो, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, ठीक है ना। ये चीज़ें समझ लीजिए 2 सेकंड के लिए बस। एक आता है सब्जेक्ट, एक आता है ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट का मतलब जो काम करेगा या जो काम सेंटेंस में करता है, जो काम करता है वो क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट। और जिस पर काम करता है वो क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट। जिस पर काम होता है वो क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। लोग कहते नहीं, तुम किस ऑब्जेक्ट पे काम कर रहे हो, तो जिस ऑब्जेक्ट पे काम हो रहा है वो ऑब्जेक्ट, और जो काम कर रहा है वो सब्जेक्ट। अब मैं आपसे पूछूं कि पहले एग्जांपल में सब्जेक्ट क्या है, आप कहोगे सर मेरी माँ सब्जेक्ट है, मेरी माँ क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है, मेरी माँ प्यार करती है लेकिन किससे, तो आप कहोगे सर मुझसे, तो मुझसे क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा, मुझसे ऑब्जेक्ट हो जाएगा। उसके बाद क्या भाई, ये प्यार है ना, प्यार लिखा है, ठीक है ना। तो क्या हो गया, मेरी माँ मुझसे बहुत प्यार करती है, ठीक है ना। तो अब हम इसकी इंग्लिश बनाएंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट मेरी माँ मतलब माई मदर, तो MOTHER माई मदर हो गया, क्या हो गया सर, माई मदर, मेरी माता, माई मदर। उसके बाद क्या है, माई मदर, मेरी मदर, अब हेल्पिंग वर्ब तो लगाएंगे नहीं लगाएंगे, तो माई मदर। उसके बाद लव, लव मतलब प्यार, मेन वर्ब प्यार, तो माई मदर लव किसको, मुझे, तो मी, माई मदर लव मी। और बहुत प्यार यानी बहुत ज़्यादा, तो वेरी मच, वेरी मच। लो बन गया, माई मदर लव मी वेरी मच, मेरी माँ मुझसे बहुत प्यार करती है। इसे दूसरे में बनाएं, तो सब्जेक्ट क्या है, आप कहोगे सर हम है, हम कहाँ पर नहाते हैं, तो नदी में, तो नदी हमारे लिए ऑब्जेक्ट है, तो नदी ऑब्जेक्ट का काम करेगा। और उसके बाद नहाने की क्या होती है बात, ये ऑब्जेक्ट है, सॉरी ये मेन वर्ब है, तो ये मेन वर्ब। अब इसको बनाएंगे हम, हम की इंग्लिश क्या होती है, वी, वी होती है ना। उसके बाद सब्जेक्ट तो आएगा नहीं, मेन वर्ब नहाने की, तो नहाने की होती है बात, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बात हो गया, वी बात। और कहाँ, इन, तो इन द रिवर, इन द रिवर। लो बन गए, वी बात इन द रिवर। ऐसे हम यहाँ पर कहें राम सदा सत्य बोलता है। देखो अब तीसरा बनाएंगे, तो सब्जेक्ट क्या है सर, राम है, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, राम लिखेंगे। फिर सदा, सदा के लिए क्या लिखेंगे, ऑलवेज होता है ना, तो राम ऑलवेज। अब सत्य बोलता है, बोलने की क्या होती है, ट्रुथ, उसको तो बाद में ले जाएंगे, लेकिन क्या राम ऑलवेज, अब बोलने की आएंगे इधर, तो ट्रुथ को हम बाद में ले जाएंगे, तो बोलने की क्या होती है, स्पीक होती है, SPEAK, स्पीक हो गया। लेकिन ये जो है राम हमारा थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो स्पीक के साथ हम लोग एस लगाएंगे, तो स्पीक्स हो जाएगा, राम ऑलवेज स्पीक्स द ट्रुथ, द ट्रुथ।
यानी कि सत्य बोलता है। राम हमेशा सत्य बोलता है या सदा सत्य बोलता है, ऑलवेज के लिए हम लोग हिंदी में सदा या फिर हमेशा के स्थान पर प्रयोग करते हैं। तो ये हो गए आपके अफर्मेटिव। अब हम पहुँचते हैं निगेटिव पर, आप लोग इसको नोट कर सकते हो अगर चाहो तो, ठीक है ना भाई। चलो भाई अब हम लोग देखेंगे निगेटिव वाले। ये चीज़ें आपकी सारी समझ में आ गई होंगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। निगेटिव का रूल मैंने बता दिया है, देखिए उसको भी समझ लेते हैं। पहला एग्जांपल, निगेटिव सेंटेंस का पहला एग्जांपल, तुम दिन में नहीं सोते हो। तुम दिन में नहीं सोते हो, नहीं सोते हो, ये बताओ, बनाते रहो भाई, तुम दिन में नहीं सोते हो। दूसरा एग्जांपल क्या है भाई, तो दूसरा एग्जांपल है आपका, मैं नहीं जानता हूँ। ये तो सभी को पता होगा भाई कि मैं नहीं जानता हूँ कि इंग्लिश क्या होती है। तीसरा मैंने कह दिया, तो तीसरा है दोस्तों आपका ये कि तुम्हारा भाई लीलावती में पढ़ाता नहीं है। तुम्हारा भाई लीलावती में नहीं पढ़ाता है। ये तीन सेंटेंस आपके सामने लिखे हैं, इनको बनाना है। तुम दिन में नहीं सोते हो, मैं नहीं जानता हूँ, तुम्हारा भाई लीलावती में नहीं पढ़ाता है, तुम्हारा भाई लीलावती में नहीं पढ़ाता है। सर सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर, आपको कि सर तुम सब्जेक्ट है, तो तुम के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, यू लिखते हैं। अब यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी, क्योंकि ये सारे निगेटिव हैं और निगेटिव में तो हेल्पिंग वर्ब लगती है, रूल अभी जस्ट मैंने बताया। तो यू के साथ क्या लगाते हैं, डू लगाते हैं, उसके बाद नॉट आ जाएगा, यू डू नॉट, उसके बाद मेन वर्ब सोना, सोने की क्या होती है, स्लीप होती है, तो यू डू नॉट स्लीप, और कहाँ, दिन में, तो इन द डे, यू डू नॉट स्लीप इन द डे, तुम दिन में नहीं सोते हो। ऐसे करके मैं ये बात कर लूँ, मैं नहीं जानता हूँ, सब्जेक्ट क्या है, मैं के इंग्लिश, आई के साथ किसका प्रयोग, डू का प्रयोग, आई डू नॉट जानने की होती है, नो आई डू नॉट नो, इसी को दोस्तों आजकल लोग कैसे कहते हैं, आई डोंट नो, इसी को तो कहते हैं आई डोंट नो, ऐसे आज के ज़माने में इसको ऐसे होता, आई डोंट नो, मैं नहीं जानता हूँ, तो इसको क्या होता है, आई डू नॉट नो, मैं नहीं जानता हूँ। ऐसे हम यहाँ पर करेंगे, सब्जेक्ट क्या है, तुम्हारा भाई का मतलब योर ब्रदर, वाई ओ यू आर, योर ब्रदर, बी आर ओ टी एच ई आर, योर ब्रदर, डज लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब, तो डज हो गया, योर ब्रदर डज, नहीं है तो नॉट, उसके बाद पढ़ाता है, स्कूल में पढ़ाने की बात कर रहा, लीलावती एक प्रकार का विद्यालय माना जाएगा ना, तो योर ब्रदर डज नॉट टीच कहाँ, लीलावती, तो इन लीलावती, बोलो कोई प्रॉब्लम नहीं ना, बन गए सारे, देखो कितनी आसानी के साथ, योर ब्रदर डज नॉट टीच इन लीलावती, तुम्हारा भाई लीलावती में नहीं पढ़ाता है। तो अफर्मेटिव नेगेटिव हमने सीख लिया है, अब हम पहुंचते हैं अपने इंट्रोगेटिव सेंटेंस की तरफ। इसको आप अगर नोट करना चाहते हो तो कर लीजिए भाई, देखो ये सारी चीज़ें आपके समझ में आ चुकी होंगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। अब हम बात करते हैं अपने इंट्रोगेटिव सेंटेंस की बात करते हैं। ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस का रूल क्या होता है भाई, एक बात जरा हमें बताना, जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं वो बेसिकली आपके दो प्रकार के होते हैं,
ये सभी को पता होगा, एक होता है आपका यस या फिर नो टाइप का, और एक होता है आपका फुल एक्सप्लेन, जिसमें पूरा उत्तर हमें देना पड़े, जिसमें हमें फुल एक्सप्लेन करना पड़े। दो प्रकार के होते हैं, यस या नो आपके दो प्रकार के सेंटेंस होते हैं। यस या नो की इंग्लिश जो हम बनाएंगे वो दोस्तों हेल्पिंग वर्ब से बनाएंगे, यानी डू डज सबसे पहले आएगा, डू डज के बाद आपका सब्जेक्ट आ जाएगा, और सब्जेक्ट के बाद आपका मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और फिर आपका ऑब्जेक्ट, और सबसे लास्ट में मोस्ट इम्पॉर्टेंट, चूंकि इंट्रोगेटिव है जिसको प्रश्नवाचक वाक्य बोलते हैं, तो प्रश्नवाचक चिन्ह भी आ जाएगा। और जो आपका फुल एक्सप्लेन होता है उसमें सबसे पहले आपका WH फैमिली, उसके बाद अभी देखिए सब कुछ बता रहा हूँ, WH फैमिली क्या है सारा चीज़ बता रहा हूँ, पहले रूल लिख लें, तो सबसे पहले आ जाएगा WH फैमिली, उसके बाद आपका हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा डू या फिर डज आ जाएगा, डू डज के बाद आपका सब्जेक्ट आ जाएगा, सब्जेक्ट के बाद आपकी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और फिर आ जाएगा ऑब्जेक्ट, और सबसे लास्ट में ये वाला चिन्ह आ जाएगा। अब आप देखो, मैं दो एग्जांपल आपके सामने लिख रहा हूँ हिंदी में। मैंने लिखा क्या मोहन सोता है, मैंने एक एग्जांपल ये लिखा, दूसरा एग्जांपल मैंने लिखा मोहन क्यों सोता है। मैंने दो एग्जांपल आपके सामने लिख दिए, क्या मोहन सोता है और मोहन क्या सोता है। हमने कहा भाई हमें उत्तर दीजिए, तो आप कहोगे सर मैंने आपसे पूछा क्या मोहन सोता है, तो आपके केवल दो ही उत्तर आएंगे, या तो यस या फिर नो, सोता है तो यस और अदरवाइज नो। तो यानी कि जिस सेंटेंसों का उत्तर हम यस यानी हाँ या फिर ना में नहीं ना में दे सकते हैं, उनकी इंग्लिश हम कैसे बनाएंगे, डू या डज यानी हेल्पिंग वर्ब से बनाते हैं। जिन सेंटेंसों को हम यस या नो में उत्तर दे सकते हैं उनकी इंग्लिश हम हेल्पिंग वर्ब से बनाते हैं, और जिन सेंटेंसों को, अब मैंने ऐसे ही मैंने पूछा मोहन क्यों सोता है, तो आपको सर उसके पेट में गुड़गुड़ हो रहा है ना, पेट में गुड़गुड़ वाला गाना तो सुना ही होगा। देखो मैंने आपसे पूछा कि मोहन क्यों सोता है, तो आपको कि सर उसके पेट में दर्द है या उसके सर में दर्द है या उसके हाथ में दर्द है इसलिए सो रहा है, यानी आप फुल एक्सप्लेन करोगे, तो ये फुल एक्सप्लेन करोगे, तो इसीलिए इसकी इंग्लिश आप किससे बनाओगे, WH फैमिली से बनाओगे। अब कुछ साथियों के दिमाग में आइडिया आ रहा होगा, सर व्हाट इज WH फैमिली, ये WH फैमिली क्या है। हिंदी में कहते हैं इसको का वाला परिवार, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, का वाला परिवार। अब का वाला परिवार यानी कि कब क्यों कैसे कहाँ कब तक कैसे कैसे किस तरह, ये सारे सेंटेंस हमारे क्या आएंगे, WH फैमिली में आएंगे। आप देखो बीच में क्या आया, क्यों आया, का वाला परिवार है, बीच में क्या आता तो भी क्या वाला परिवार है। एक सीधी बात, 90% केसों में, 90% केसों में अगर वो आपका क्या से शुरुआत हो रही सेंटेंस की, तो उसका आप इंग्लिश हेल्पिंग वर्ब से बनाओगे 90% केसों में। लेकिन वहीं अगर क्या से शुरुआत नहीं हो रही है, लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह है, तो उसकी इंग्लिश आप WH फैमिली से बनाते हो। तो ये स्ट्रक्चर आपके समझ में आ गया होगा, उम्मीद यही करते हैं। अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लीजिए, हिंदी में इसको प्रश्नवाचक वाक्य बोलते हैं। फिर हम पहुँचते हैं दोस्तों कहाँ पर, अपने एग्जाम्पल पर। जल्दी से 2-3 एग्जाम्पल करेंगे, डाउट क्लियर करेंगे, फिर नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात करेंगे, है ना। ये चीज़ समझ गए हो ना भाई, सारे डाउट क्लियर यहाँ से। चलो भाई देखो, रूल आपके सारे समझ में आ जाने चाहिए, तभी भाई इंग्लिश आपको इजी लगेगी। वैसे इंग्लिश में दोस्तों कुछ है नहीं इस इंग्लिश में। एग्जाम्पल नंबर वन है, क्या तुम्हारे पिताजी देश की सेवा करते हैं, क्या तुम्हारे पिताजी देश की सेवा करते हैं, देश की सेवा करते हैं, ये हो गया क्या तुम्हारे पिताजी देश की सेवा करते हैं। और दूसरा एग्जांपल जैसे मैंने दोस्तों क्या कह दिया, तो दूसरा कह दिया कि तुम्हारा भाई क्या करता है।
ये दोनों सेंटेंसों में मैंने आपसे प्रश्न पूछा है, आप जल्दी से बताओ। पहला है, क्या तुम्हारे पिताजी देश की सेवा करते हैं? दूसरा है, तुम्हारा भाई क्या करता है? फटाफट से भाई बनाने का प्रयास करेंगे सभी साथी, फटाफट से भाई सभी साथी बनाने का प्रयास करेंगे, है ना। देखिए आप यहाँ पर लिख सकते हो तुम्हारे पिताजी, तो ये तुम्हारे पिताजी इतना आपका क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, तो मैंने इसके ऊपर लिख लिया सब्जेक्ट, ठीक है ना। उसके बाद देश की सेवा करते हैं ना, तो देश हमारे लिए क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। करते हैं, क्या करते हैं, सेवा करते हैं, तो ये आपकी मेन वर्ब हो गई, मेन वर्ब हो गई। तो अब इसकी इंग्लिश बनाएंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब आता है, क्योंकि ये प्रश्नवाचक है। तुम्हारे पिताजी, अब पिताजी तो सिंगल सिंगल ही होते हैं, तो इसीलिए हम क्या लगाएंगे, डज लगाएंगे, योर फादर, तो डज योर फादर, FATHER, डज योर फादर हो गया, डज योर फादर। फिर तुम्हारे पिताजी सर्व, सेवा करने की इंग्लिश क्या होती है, सर्व होती है, तो ये सर्व हो गया। किसकी, कंट्री, देश की, तो सर्व द कंट्री। बोलो कोई प्रॉब्लम है, लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह, योर फादर, डज योर फादर सर्व द कंट्री, सर्व माने होता सेवा करना, तो सेवा करते हैं किसकी, देश की। ऐसे इसको बनाएंगे, ये तुम्हारा भाई क्या है, भाई सब्जेक्ट है ना, तो तुम्हारा भाई सब्जेक्ट, और करना ये मेन वर्ब है, करना मेन वर्ब है। तो सबसे पहले क्या बनाएंगे, यहाँ पर देखो बीच में क्या आ गया, क्या वाला शब्द आ गया, ये हो गया WH फैमिली, ये क्या हो गया WH फैमिली, तो इसकी इंग्लिश सबसे पहले लिखेंगे, क्या लिखेंगे, व्हाट लिखेंगे, तो मैंने इसकी इंग्लिश सबसे पहले लिख दिया व्हाट। अब ये तुम्हारा भाई के हिसाब से क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब यानी डज आएगा, तो व्हाट डज योर ब्रदर, व्हाट डज योर ब्रदर, तो व्हाट डज योर ब्रदर, What does your brother? करना, करने की क्या होती, do, क्योंकि कोई ऑब्जेक्ट तो अब बचा नहीं, तो do हो गया। What does your brother do? What does your brother do? तुम्हारा भाई क्या करता है? तो ये चीजें समझ में आ गई हैं भाई कि नहीं आ गई हैं? अगर समझ में आ गई हैं तो आप इसकी इंग्लिश हमें बना के बता दीजिए, क्या हम अंग्रेजी पढ़ते हैं, क्या हम अंग्रेजी पढ़ते हैं, चलो करके बताओ, क्या हम अंग्रेजी पढ़ते हैं, फटाफट से करके बताओ, क्या हम अंग्रेजी पढ़ते हैं, तो आप कहोगे सर बिल्कुल, हम, वी, वी क्या है, हम बहुत है ना, तो हम डू लगाएंगे, तो हम लग डू, वी, डू, वी, उसके बाद पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद रीड, तो ये हो गया आर, डू वी रीड, क्या इंग्लिश, तो डू यू रीड इंग्लिश, लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह, डू यू रीड इंग्लिश, क्या तुम, क्या हम अंग्रेजी पढ़ते हैं। तो ये दोस्तों आज की क्लास में हमने सीखा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। आपको वीडियो कैसी लगी है आप कमेंट बॉक्स में बताना, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और फिर से मैं कहूँगा कि टेट की क्लासें रेगुलर चालू हो चुकी हैं विनर क्लासेस पे, अगर आपने अभी तक विजिट नहीं किया है विनर क्लासेस पे तो ज़रूर जाइए। सर्च बार में हो सकता है चैनल ना आए, लेकिन आपको टेलीग्राम पे लिंक मिल जाएगी, ठीक है ना भाई। तो या फिर आप पूछ भी सकते हो हमसे या रमन से सर से टेलीग्राम के लिए, उसकी लिंक भी ले सकते हो चैनल की। रेगुलर क्लासें आएंगी, परसेंटेज चैप्टर चालू कर दिया गया है, आज दूसरी क्लास अपलोड हो चुकी है, जिसमें आपके सब कुछ बहुत अच्छे से समझाया जाता है। तो मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सभी साथी रखेंगे अपना ख्याल। जय हिंद, जय भारत, और वंदे मातरम।